सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। यहाँ पे मैं सारी की सारी लार्ज रिस्ट वाली वॉचेस लेके आया हूँ यहाँ पे, और आप लोग घबराइए मत। आपके जिसके भी 6.5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर के रिस्ट हैं, उनके लिए जो वॉच का ये अलर्ट वीडियो है कमाल कराने वाला है। और डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट जो वॉचेज हैं, वो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, चाहे वो फायरबोल्ट की हो, चाहे वो नॉइस की हो, चाहे वो बोट की हो, चाहे वो आपकी डिजो की वॉच हो, चाहे वो टैग की वॉच हो। तो सारी की सारी वॉचेज मैं कवर करूंगा यहाँ पे। लार्ज रिस्ट के लिए कौन सी वॉच बेटर हो सकती है आप सभी के लिए, और इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और भी लोग बाय कर सकें लार्ज रिस्ट के लिए, उनके लिए कौन सी वॉच बेटर रहेगी, राइट? तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। सो गाइस, बेसिकली आज हमारे पास बहुत सारी वॉचेस हैं यहाँ पे, और ये मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आपको 2000 रुपये के अंडर, 3000 रुपीज़ के अंडर, 5000 रुपीज़ के अंडर या 7000 या 10000 रुपीज़ के अंडर कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए, बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपके लार्ज रिस्ट के लिए, स्मॉल रिस्ट के लिए और थिन रिस्ट के लिए कौन सी वॉच बेटर रहेगी। बट गाइस, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक लिया जाए। सबसे पहले मैं लूँगा लार्ज रिस्ट के लिए, आपके जो आपके सबसे लार्ज रिस्ट हैं, जैसे कि किसी के मोटे होते हैं ना रिस्ट, तो उसके लिए कौन सी वॉच बेटर रहेगी, कौन सी वॉच उनको लेनी चाहिए। तो सारी की सारी मेरे पास लार्ज रिस्ट वाली वॉचेस हैं, और मैक्सिमम ये वॉचेस आपकी मीडियम रिस्ट पे भी चल जाएंगी, बट मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली, क्योंकि मेरे मीडियम रिस्ट हैं और मीडियम टू लार्ज टू थिन टू स्किनी कितने सेंटीमीटर के रिस्ट होने चाहिए आपको, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपकी जो क्वेरी है सारी की सारी रिजॉल्व हो जाए। एक वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर अच्छा रिस्पांस आया था, बट फिर मैंने सोचा कि डेडिकेटेड वीडियो क्यों ना बनाई जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से, लार्ज रिस्ट के लिए वीडियो बना दो, मीडियम रिस्ट के लिए वीडियो बना दो, स्किनी रिस्ट के लिए वीडियो बना दो, थिन रिस्ट के लिए वीडियो बना दो। तो गाइज, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली लेने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले आती है बात कि आप ये डिसाइड करो आपको सर्कुलर वॉच चाहिए या आपको स्क्वेयरिश वॉच चाहिए। सबसे पहले ये डिसाइड करो, उसके बाद आप चूज़ करो आपको कैसी वॉच चाहिए। वैसे लार्ज रिस्ट के लिए मैक्सिमम वॉचेस अवेलेबल हैं, बट स्किनी रिस्ट के लिए बहुत ही कम वॉचेस अवेलेबल हैं। तो लार्ज रिस्ट के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे। वैसे सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट वैल्यू अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से जाके आपको बाय करनी है, ताकि आपको वहाँ पे इंस्टेंटली बाय करने का ऑप्शन मिल जाए, राइट? सबसे पहले लार्ज रिस्ट के लिए आती है हमारे पास फायरबोल्ट की इनविंसिबल, टॉप नॉच की वॉच है, 8G मेमोरी मिल जाती है। ये आपके मीडियम रिस्ट पे थोड़ी सी बड़ी लग रही, देख सकते हो यहाँ पे मेरे मीडियम रिस्ट हैं, और मीडियम रिस्ट कितने होते हैं, 5.5 सेंटीमीटर के मीडियम रिस्ट होते हैं। ध्यान रखना आपको 5.5 सेंटीमीटर के मीडियम रिस्ट होते हैं। लार्ज रिस्ट कितने साइज के होते हैं, 6 टू 6.5 सेंटीमीटर के। तो 6 सेंटीमीटर के आपके रिस्ट हैं या 6.5 के हैं, तो आपको मानना है आपके लार्ज रिस्ट हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और गाइस, यहां पे इस तरीके से वॉच अच्छी है, 8GB मेमोरी मिलती है, 8GB मेमोरी मिलती है, 1500 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और प्रॉपरली यहाँ पे मैंने देख सकते हो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स को यहाँ पे स्टोर करा हुआ है। पर्टिकुलरली यहाँ पे लाइव वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेस तो जरूर मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे फीचर्स से रिच ये वॉच है, नंबर वन पे मैं इसी वॉच को रखूंगा। अभी 5500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, 5500 या 6000 रुपये की हो चुकी है वैसे अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन पे, बट आपको 500 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी लिंक पे जाके आपको बाय करना है। आपको यूज़ क्या करना है, आपका SBI कार्ड, यस SBI का डेबिट क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो, तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा 10% का, जो कि हो जाएगा 500 रुपीज़। तो आपको ये वॉच अराउंड 5000 रुपीज़ की पड़ जाएगी, तो ध्यान रखना है आपको उसी के थ्रू ऑर्डर करना है। वॉच अच्छी है, एक्यूरेसी इसकी बेटर मिल जाती है, इस तरीके से आपको सेंसर डेडिकेटेड मिल जाते हैं, 1500 सॉन्ग्स तक कोई स्टोर कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, और म्यूज़िक में आपका ये जो ऑप्शन है मोबाइल म्यूज़िक, वन सेकेंड मोबाइल म्यूज़िक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर पे चलते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लोकल म्यूज़िक टीडुलिस मोड में भी जा सकते हो आप, तो लोकल म्यूज़िक में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स को स्टोर करा हुआ है, अभी 70-80 या 100 से ऊपर ही सॉन्ग्स को स्टोर करा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे म्यूज़िक लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, और डिफरेंट बर्ड से आप इसको पेयर कर सकते हो। आपको ऑल टाइम अपने वॉच फ़ोन को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वॉच को और बर्ड्स को भी लेके अगर जाते हो जॉगिंग पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉपरली ये लार्ज रिस्ट के लिए सबसे परफेक्ट वॉच हो सकती है आपकी फायरबोल्ट की इनविंसिबल, और मैंने यहाँ पे बोल्ट का जो स्ट्रैप है वो लगा रखा है, 22mm स्ट्रैप साइज, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। इसमें आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कमाल का दिया गया है, जो इसमें अवेलेबल है, ये देख सकते हो यहाँ पे, राइट? यहाँ पे इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस कॉल्स को। कॉल क्वालिटी अच्छी है इसकी वॉच की, और वॉइस असिस्टेंट 20 में देखने को मिलता है इस वॉच में, और बस कमी है तो यहाँ पे अपनी पिक को एज वॉच फेस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, और दूसरा यहाँ पे वाइब्रेशन प्लस रिंग या ओनली म्यूट का ऑप्शन नहीं मिलता। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे क्या मिलता है, रिंगटोन प्लस वाइब्रेट होगी वॉच, दैट्स इट, आपके फ़ोन की रिंगटोन कॉपी करेगी ये वॉच। तो इस तरीके से मिल जाता है, दो बटन मिल जाते हैं आप मेन्यू पे जाने के लिए और एक स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए, राइट? स्पोर्ट्स पर नहीं, एप्लीकेशन पे जाने के लिए, और ये वाला कौन सा मिलता है, ओके ये ऑफ करने के लिए मिलता है, ये आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला वॉच फेस हो गया, ठीक है? तो ये नंबर वन पे रखता हूँ मैं। अदर गाइज, अगर लार्ज रिस्ट के लिए चाहिए आपको वॉच, अगर आपके 6.5 या
6 सेंटीमीटर के रेस्ट हैं, तो आपको अदर वॉच सर्कुलर डायल में खासकर आपको चूज़ करनी चाहिए हमारी सबसे ज़्यादा ये वाली वॉच। यस, ये कौन सी वॉच हमारे पास? हमारे पास फायरबोल्ट की ही टॉक प्रो, इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है। ये लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट वॉच है और बहुत ही कम दाम में मिल रही है, अभी 2299 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है। क्राउन इसका वर्किंग है, ये प्लस पॉइंट है इसका, और इसमें वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, गेम्स भी मिल जाते हैं इसमें इटसेल्फ, और 6.5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर के रिस्ट हैं आपके, तो इसको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छी वॉच है। 2300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल रही है, तो लार्ज रिस्ट वालों के लिए एक ट्रीट सा बन जाता है इस वॉच से रिलेटेड, आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज नेक्स्ट जो वॉच रखना चाहता हूँ फायरबोल्ट की, अब हम हटाते हैं थोड़ा सा नॉइस की तरफ आते हैं। नॉइस की वॉच आती है आपके पास कलरफिट अल्ट्रा टू बज, यस अल्ट्रा टू बज या अल्ट्रा भी आप ले सकते हो कलरफिट की, वो भी आपके लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट है। ये मीडियम रिस्ट पे भी चल जाएगी, वैसे मेरे मीडियम रिस्ट है इस पे भी चल जा रही है, बट लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट लगेगी ये वॉच, क्योंकि उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी मिलती है और वाइडर है ये वॉच, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है, ना ही आपको बज में मिलेगा, ना ही अल्ट्रा टू बज में मिलेगा। वैसे मैंने दोनों का अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, दोनों में से किसी में भी वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलेगा, ये कमी है वैसे, बट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी अल्ट्रा टू बज में, और बज में आपको जो नॉर्मल वाली है उसमें आपको ये वाली जो है इसमें आपको TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया है। ये थोड़ी सी स्लिम भी है अल्ट्रा टू बज से, वैसे एक्यूरेसी अच्छी है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, बट बात ये कि मतलब कहीं ना कहीं आपको जो स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी मिलती है वो अच्छी मिलती है, बट बहुत ज़्यादा बेटर चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं आपको Amazfit की वॉच के लिए जाना पड़ेगा। Amazfit की लार्ज रिस्ट के लिए कौन सी वॉच है? आपको Amazfit GTS 3 मिल जाएगी, या आपकी Amazfit की GTS 2 भी अच्छी है, न्यू वाली बेसिकली लेना आप जो सर्कुलर डायल में है। बट गाइस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉइस की, तो नॉइस की वॉच अच्छी मिल जाती है आपको, अल्ट्रा टू बज ही लेना, अल्ट्रा बज मत लेना ये वाली, इससे ज़्यादा बेटर आपकी अल्ट्रा टू बज है, उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छी वॉच वो भी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और कौन सी वॉच आप चूज़ कर सकते हो? फायरबोल्ट की और भी वॉचेज हैं, जैसे कि आपका 360 प्रो, इसमें आपको इंटेल मेमोरी मिल जाती है, बर्ड्स को पेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, ध्यान रखना है आपको। थंडर में अगेन आपको ये तो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी भी आपकी अच्छी लगेगी, लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट ये वॉच है, मैं कहना चाहता हूँ। लुक और फील भी प्रीमियम है इस वॉच का, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मिलता है आपको, ऑनर की वॉच टू मैजिक की तरह इसका लुक और फील है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको कॉलिंग फीचर भी मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे कॉल क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, मतलब यहाँ पे लाउडनेस कम मिलती है, और कहीं ना कहीं उसी चीज़ में ये थोड़ा सा मात खा जाती है, नहीं तो वॉच अच्छी है अभी। राइट, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लार्ज रिस्ट हैं आपके, तो आपको और कौन सी वॉच चूज़ करनी चाहिए? यस गाइस, अभी हाल फिलहाल में ये फायरबोल्ट की एटम, यस ये वॉच अच्छी है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट है। वैसे मीडियम रिस्ट पे भी चल रही है वॉच, मीडियम रिस्ट पे भी अच्छी वॉच लगती है, तो लार्ज रिस्ट वालों के लिए फिर से ट्रीट है ये वॉच डेफिनेटली। इन सब वॉचेस से खासकर इसमें फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं आपको, इसमें जो चीज़ें हैं वो बेटर मिल जाती हैं यहाँ पे, इस तरीके से मिल जाते हैं, गेम्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, वॉइस असिस्टेंट भी इसमें देखने को मिलता है, लाउडनेस भी बेटर मिल जाती है इसमें आपको, और लाइट वेट भी है, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है इसमें देखने के लिए। राइट, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी मिलती है वैसे। अब गाइस और एक वॉच देखते हैं यहाँ पे, नॉइस की अगर आप चूज़ करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको अल्ट्रा टू बस बताया वो ले सकते हो आप, लार्ज रिस्ट हैं आपके, तो बोट की वॉच अगर मैं बात करूँ, बोट की वॉच मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ तो नहीं है, बट मैं बोट की वॉच बता सकता हूँ लार्ज रिस्ट के लिए कौन सी बेटर है। स्टॉर्म कॉल प्रो लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट है, और स्टॉर्म कॉल प्रो बेसिकली मीडियम रिस्ट पे भी चल जाएगी, उसी के साथ साथ एक्सटेंड प्रो भी आपकी है, चल जाएगी मीडियम टू लार्ज रिस्ट पे। और गाइज यहाँ पे टैग की वॉच अगर आप देखना चाह रहे हो, तो टैग की वॉच आप चूज़ कर सकते हो, टैग की वर्व अल्ट्रा, टैग की वर्व कनेक्ट अल्ट्रा, यस वो आपकी लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट वॉच है, मीडियम रिस्ट पे भी चल जाएगी वॉच, थिन और स्किनी रिस्ट वाले दूर रहे उससे, ठीक है ध्यान रखना है। और लार्ज रिस्ट पे कौन सी वॉच चल सकती है? लार्ज रिस्ट पे आपकी ये फिट शॉट की क्रिस्टल भी चल सकती है, यस गाइस आपने सही सुना, फिट शॉट की क्रिस्टल भी आपकी लार्ज रिस्ट पे चल जाएगी। वैसे मीडियम रिस्ट पे इस तरीके की लगती है, स्लिम वॉच है, अगर आपको स्लिम वॉच चाहिए लार्ज रिस्ट है आपके, तो फिट शॉट क्रिस्टल के लिए आप जा सकते हो, बट अगर फिट शॉट क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह कौन सी लेनी चाहिए, सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ जो ऑप्शन में आती है वो आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रियलमी की वॉच, यस आपने सही सुना, ये आपकी लार्ज रिस्ट के लिए परफेक्ट है। मीडियम रिस्ट पे थोड़ा सा ये बड़ी लगती है, मेरे रिस्ट पे भी देख सकते हो बड़ी ही लग रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे वॉच अच्छी है, सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ ये आती है वॉच, और लुक और फील भी इसका अच्छा है, और कनेक्टिविटी बहुत ही तगड़ी है इसकी, इवन आप फिट शॉट से भी कह सकते हो, फिट शॉट से बेटर इसकी जो कनेक्टिविटी मिल जाती है, और क्लैरिटी आपको फिट शॉट से थोड़ी सी स्लाइटली बेटर मिलती है इसकी क्लैरिटी स्पीकर की, बट लाउडनेस कम है इस वॉच में, ठीक है। सॉन्ग्स नहीं सुन सकते इन द वॉच इटसेल्फ, आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, ध्यान रखना है आपको, स्क्रोलिंग बटन नहीं मिलता जैसे फिट शॉट में मिलता है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं है, बट अगेन अगर आपको 2700 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में चाहिए लार्ज रिस्ट हैं आपके, तो रियलमी की जो वॉच 3 है आपके लिए बेटर हो सकती है। वॉच 3 प्रो भी अच्छी है, वो
GPS फंक्शन के साथ आती है, बट उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको। उसका ज़्यादा ही प्राइस चला जाता है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, तो इतना खर्चा नहीं करना बनता है मेरे ख्याल से। आई नो वहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, GPS का फंक्शन मिल जाता है, दैट्स इट, दो चीज़ ज़्यादा मिलती हैं इससे, बट एग्जैक्टली यही वॉच है, समझ लीजिए वॉच, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ऑलवेज ऑन का फीचर भी उसमें देखने को मिल जाता है। और गाइस अगेन डिजो की वॉच ही आपको, डिजो टू जो डिजो आर टॉक है बेसिकली, इसकी तरह देखने में लगती है, यस इस तरीके से देखने में लगती है डिजो वॉच आर टॉक, और अच्छी वॉच है। सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, उसमें भी स्पोर्टी लुक मिल जाता है उसका, बट उसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिए गए साइड साइड में, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा लुक जो है वो ख़राब हो जाता है। बेजल्स मैं आपको कैसे दिखाऊँ यहाँ पे, एग्जैक्टली बेजल्स कैसे मिलते हैं इसमें, तो बहुत कम दिए गए, क्योंकि यहाँ पे 1.39 इंचेस की डिस्प्ले, उसमें 1.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे एक वॉच और है मेरे पास, इसमें भी नहीं है बेसिकली, मेरे ख्याल से ये 360 प्रो जैसे आपको हल्के से बेजल्स मिलेंगे साइड साइड में, तो आपको ध्यान रखना है। डिजो वॉच आर टॉक में जो बेजल्स हैं थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से मैं डिजो वॉच आर टॉक को इसमें से कंपटीशन से हटा रहा हूँ। वैसे उसका प्राइस भी ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरे ख्याल से अवेलेबल है कि नहीं वो भी नहीं पता मेरे को, जो प्राइस भी उसका बढ़ा हुआ है वैसे। और उसी के साथ साथ डिजो की डिजो डी टॉक है बेसिकली, वो भी अच्छी वॉच है। डिजो की मेरे पास एक वॉच पड़ी हुई है वैसे, डिजो वॉच आर, डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स बेसिकली। ये वॉच मीडियम रिस्ट पे भी चल जाएगी, लार्ज रिस्ट पे भी चल जाएगी, लार्ज रिस्ट है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो डेफिनेटली। अब गाइस फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं यहाँ पे, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स तो आपको बता दिए, आप कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले अगर आपको चाहिए सिंगल ब्लूटूथ चिप वाली वॉच, लार्ज रिस्ट है आपके, तो आप इस वॉच के लिए जा सकते हो, रियलमी की वॉच 3 या वॉच 3 प्रो के लिए, दोनों में से कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट 3000 रुपीज़ के अंडर है तो रियलमी वॉच 3 आपके लिए बेटर हो सकती है। अगर आपका बजट 4000 तक जा सकता है, 4500 तक जा सकता है, तो आपको रियलमी वॉच 3 प्रो लेनी चाहिए डेफिनेटली। और फिटशॉट की क्रिस्टल आपको नहीं मिल रही सिंगल ब्लूटूथ चिप में, तो डेफिनेटली यही वॉच आपको लेनी चाहिए। अगेन सेकेंडली अगर आपको फायरबोल्ट की वॉच चाहिए, तो फायरबोल्ट में सबसे बेटर रहेगी, नंबर वन पे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा एटम रखना चाहूँगा वैसे लार्जेस्ट के लिए, उससे भी ज़्यादा आगे मैं रखना चाहूँगा ये वाली इनविंसिबल, यस ये आपको ऑन ऑफर मिल रही है अभी, 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में पड़ जाएगी आप अगर बाय करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से आपको बाय करनी है, और SBI का कार्ड यूज़ करते हो तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो इस वॉच के लिए आप जा सकते हो। अगेन इसके बाद मैं रखता हूँ यहाँ पे एटम को, यस फायरबोल्ट की ही एटम आती है, तो ये आपको बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है, लाउडनेस बेटर मिलती है, क्लैरिटी बेटर मिलती है, बेस अच्छा खासा मिल जाता है इस वॉच में इटसेल्फ, और यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी तो मिली जाती है अच्छी खासी, तो इसके लिए जा सकते हो आप। अब गाइस उसके बाद मैं कौन सी रखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद तो आप मतलब नॉइस की अल्ट्रा 2 बस ले सकते हो, इससे ज़्यादा बेटर है अल्ट्रा बस से। और बोट की अगर चूज़ करना चाहते हो तो स्टॉर्म कॉल प्रो लेना, एक्सटेंड और स्टॉर्म कॉल प्रो में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लार्ज इट्स के लिए परफेक्ट है दोनों ही वॉचेस। और गाइस ये वाली वॉच जो है आपकी ऑलमाइटी, अगर आपको प्रीमियम लुक चाहिए तो ऑलमाइटी के लिए जा सकते हो, बट ऑलमाइटी में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, फीचर वाइज देखना आपको, ओवरऑल आपको देखना है तो आपको एटम के लिए ही जाना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको। और फिट शॉट की क्रिस्टल तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टॉक है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी सारी की सारी वॉचेस। अगर आपका क्वेरी इन सारी वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैंने सारे के सारे जो आपके लार्ज लिस्ट हैं जितने भी पर्सन के, उसके लिए वॉच मैंने आपको बता दी। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट बेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।